दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि भाई शहर में कितने नंबर गियर पे ड्राइव करना है, किस तरीके पे ड्राइव करना है। तो दोस्तों एक व्यूअर्स का हमारा कमेंट था कि भैया जी टाउन में कैसे गाड़ी ड्राइव करे, किस तरीके पे गियर मैनेज करे, कितने गियर में गाड़ी ड्राइव करना है चाहिए टाउन में, ठीक है, शहर में कितने नंबर गियर पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे भाई किसी भी तरीका से आपकी गाड़ी का जो गियर है किसी भी तरीका से एक गियर फाइनल फिक्स नहीं है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कोई भी गियर जो है फिक्स नहीं है कि भाई तीन नंबर में गाड़ी चल रही है तो तीन ही नंबर में चलें, दो नंबर में गाड़ी चल रही है टाउन में आपकी तो दो ही नंबर में चलें, ठीक है, चार नंबर में आपकी गाड़ी चल रही है टाउन में तो चार ही नंबर में चलें। इस तरीका से कोई भी गियर जो है आपकी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए आपकी गाड़ी का जो गियर है एक नंबर और दो नंबर, हमेशा याद रखिए एक नंबर दो नंबर जो है आपकी गाड़ी का गियर सिर्फ गाड़ी उठाने की काम करती है, ना कि भाई लंबे समय तकला गाड़ी चलाने की। अगर ऐसा करते हैं दोस्तों कि भाई लंबे समय तकला एक नंबर या दो नंबर में अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, सामने किसी तरीका से कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, फिर भी दोस्तों एक नंबर दो नंबर में आप ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी क्या है कि भाई बहुत ज्यादा उछलेगी, ठीक है ना। जब भी आप एक्सीलेटर मारिएगा तब आपकी गाड़ी जो है उछलेगी, जब भी आप एक्सीलेटर छोड़िए अब फिर मारिएगा एक्सीलेटर फिर आपकी गाड़ी उछलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। आपकी गाड़ी एक नंबर और दो नंबर सिर्फ गाड़ी उठाने की काम करती है मेरे भाई, याद रखिए भाई रास्ता क्लियर है, ठीक है, गाड़ी उठ गई एक या दो नंबर में देखिए। हाँ, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भाई एक नंबर दो नंबर में आपको बार बार बताया हूँ दोस्तों कि गाड़ी उठाने की काम करती है, रास्ता समथल है तो दो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी उठाने का। और लगता है दोस्तों कि किसी ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं और हल्का सा माइनर आपकी गाड़ी जो है आपके ऊपर खड़ी है, ठीक है ना, हल्का सा ऊंचाई है तो उस जगह पे आप एक नंबर डाल के उठाइए, तो इससे क्या होगा आपकी गाड़ी की जो है पूरा तरीका से ताकत मिलेगी, ठीक है ना, और गाड़ी आपका बंद होने का वो चांस कम रहेगी, ठीक है। और रास्ता समथल है तो आप दो नंबर में अपनी गाड़ी को उठा सकते हैं। अब रहा दोस्तों बात की भाई टाउन में कैसे गाड़ी चलाएं, तो मेरे भाई टाउन में कैसे गाड़ी चलाइए तो आपके ऊपर है कि आप किस जगह पे कैसे रास्ते पे आपको ड्राइव करना पड़ रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। देखो दोस्तों टाउन में क्या होता है, सिग्नल रहती है आपको पता है, ठीक है ना, बिना सिग्नल का कोई भी गाड़ी जो है एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाती है, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों कि भाई ठीक है आपकी गाड़ी 30-35 में एग्जाम्पल के तौर पर चल रही है तीन नंबर गियर पर, ठीक है, आपकी गाड़ी का स्पीड अगर तीन नंबर में आपका गाड़ी चल रही है तो आपके जाहिर सी बात है 35-30 का स्पीड में रहेगी तो आपका गाड़ी जो है तीन नंबर गियर में चल जाएगी, ठीक है, आप उस गियर में आप इतना स्पीड में चल रहे हैं 30-35 में। हुआ ये दोस्तों कि भाई आपको आगे सिग्नल मिल गया, ठीक है, रेड सिग्नल मिल गया तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई दोस्तों। तो उस दौरान ये करे कि भाई ठीक है ब्रेक दाबिए क्लच दाबिए गाड़ी को अपना न्यूट्रल कर लिया, आपको लग रहा है कि हाँ एक दो मिनट यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा तो आपको अपने ब्रेक का पैर सॉरी ब्रेक जो है पैर वाला जो ब्रेक है वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लग रहा है एक दो मिनट के हमको खड़ा है तो आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पैर वाला ब्रेक आपको लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, कि भाई आगे या पीछे की ओर गाड़ी हमारा ना जाए और क्या करे क्लच दबा के अपना न्यूट्रल कर लें। और जब न्यूट्रल कर दिए तो फिर जब आपको गाड़ी उठाने की काम पड़ रही है तो आप ये करें कि भाई ठीक है जैसा आपको बताया कि रास्ता अगर समथल है तो दो नंबर में उठा सकते हैं, अगर दो नंबर में आपको लगता है थोड़ा दिक्कत होता है उठाने में तो आप एक नंबर में आप गाड़ी अपना उठाइए, ठीक है। ऐसे हम जहां तक मेरा रिकमेंड रहेगा दोस्तों कि भाई आप एक ही नंबर गियर जो है इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, एक नंबर जो गियर है आप उसे इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो हम लोग एक नंबर के जगह दो नंबर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ गाड़ी उठाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, मगर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो रही है कि भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि भाई गाड़ी दो नंबर उठाने के लिए तो आप एक नंबर में अपनी गाड़ी को उठाइए। हाँ, जैसा आपको बताया कि अगर हल्का सा आप मिल रहा है, ठीक है, उस जगह पे आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो उस जगह पे आपको एक नंबर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, गाड़ी उठाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा दोस्तों कि भाई ठीक है आपने गाड़ी को उठाया, खड़ी गाड़ी को आपने उठाया एक नंबर पे, और दोस्तों जैसे आपको सिग्नल मिल जाता है ग्रीन सिग्नल मिलता है तो क्या होता है आपके सामने जितने भी गाड़ियां रहती है दोस्तों आगे धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो उस दौरान क्या हुआ कि दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी को धीरे धीरे एक नंबर पे उठा के बढ़ाने लगे, तो जैसे ट्रैफिक क्लियर होती है दोस्तों तो क्लच दाब करके दो नंबर में चले जाइए, ठीक है, दो नंबर में चलने के बाद देखिए कि हाँ बिल्कुल रास्ता फिर हमें क्लियर मिल रहा है,
तो दो नंबर के बाद आप क्या करें कि देखिए कि भाई मेरा 30-35 में हमारा गाड़ी स्पीड में चल रही है, तो तीन नंबर में चले जाइए। फिर लग रहा दोस्तों कि भाई तीन नंबर चलने के बाद फिर लग रहा कि बिल्कुल रास्ता क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भाई 40-45 में हमारा गाड़ी यहाँ पे आराम से चल जाएगी। तो आप अपने गाड़ी को 40-45 में ले जाने के बाद, ठीक है, आप चार नंबर दे दीजिए। ठीक है, चार नंबर में चलने के बाद फिर आपको रास्ता क्लियर मिल रहा कि लग रहा है भाई हाँ कि हमारा गाड़ी जो है 55-60 में हमारा गाड़ी आसानी से चल जाएगी, तो आप पांच नंबर में चले जाइए। ठीक है, पांच नंबर में चल चलिए आपकी गाड़ी, फिर लग रहा है कि भाई सिग्नल मिल गया आगे और रेड सिग्नल जल रही है, तो फिर आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई। तो गाड़ी जो है अपने ब्रेक दाब के क्लच दाबिए, ठीक है, क्लच दाब के अपने गाड़ी को न्यूट्रल कीजिए, फिर अपने पैर वाला जो ब्रेक है उसको दाब के रखिए कि भाई आगे या पीछे की ओर गाड़ी आपका ना ढूले। ठीक है, इस तरीका से जैसे आपको सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है दोस्तों, तो फिर जैसे आपको बताया कि रास्ता समथल है, तो एक नंबर दो नंबर डाल के अपने गाड़ी को आराम से उठा सकते हैं। तो जैसा आपको बताया दोस्तों कि भाई रास्ता जैसे क्लियर मिलता है उसी हिसाब से आपको गियर मैनेज करना पड़ता है। अगर एक नंबर दो नंबर अगर लंबे समय तक ला आप इस्तेमाल कीजिएगा कि भाई रास्ता बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, बार बार आप वही कर रहे हैं, एक नंबर दो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका गाड़ी क्या उछल उछल के चलेगी, है ना, उछल उछल के चलेगी। तो आपको गाड़ी जो है एक नंबर दो नंबर में आपको गाड़ी चलाना नहीं है, सिर्फ आपको गाड़ी उठाना है। तो चलाने के लिए तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, गाड़ी को स्पीड बढ़ाने के लिए तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा याद रखिए गाड़ी आपकी खड़ी है, एक नंबर और दो नंबर इस्तेमाल कीजिए, आपकी दो नंबर में गाड़ी ठीक है बढ़ने लगी, रास्ता क्लियर, उसके बाद अपने गाड़ी को स्पीड बढ़ाने के लिए आप तीन नंबर भी जाइए, चार नंबर भी जाइए, पांच नंबर भी जाइए। तो जैसा कि आपको बताया वीडियो का पहले ही पार्ट में बता चुका दोस्तों, किसी भी तरीके से निर्धारित नहीं है आपकी गाड़ी का गियर जो है, किसी भी तरीके से निर्धारित नहीं है कि भाई टॉन में इतना गियर में चलना है, इतना ही गियर में चलना है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए। और दोस्तों एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसे जगह पे फंस जाती है, नदी नाला कहीं पर फंस जाती है, देखो दोस्तों गाड़ी है तो कहीं ना कहीं आपको खराब रास्ता ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बढ़िया रोड मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कभी नदी नाला पार कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी फंस गई, तो वैसे उस दौरान आपको हमेशा याद रखिए कि भाई बहुत सारा कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमें गाड़ी बैक करूंगा तो हमारा गाड़ी पीछे निकल जाएगी आराम से, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे की ओर बढ़ाऊंगा गाड़ी तो हमारा गाड़ी आगे की ओर निकल जाएगी। तो बहुत सारे लोग आगे पीछे कर करके गाड़ी वो निकालने की कोशिश करते हैं, जितने भी ड्राइवर भाई होते हैं अगर ऐसा स्थिति आती है तो उस दौरान हमेशा याद रखिए बैक गियर और पहला गियर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि भाई आपको कभी भी गाड़ी आपकी जब फंस जाती है तो उस दौरान क्या होता है, इंजन का ताकत खोजती है गाड़ी को निकालने के लिए, और इंजन को ताकत मिलती है एक नंबर गियर में, ज्यादा मिलती है पांचों गियर में से सबसे ज्यादा ताकत होती है एक नंबर गियर पर, ठीक है ना, याद रखिए। और उससे भी ज्यादा ताकत होती है बैक गियर में दोस्तों, एक नंबर से भी ज्यादा ताकत होती बैक गियर में, ठीक है ना। मगर जैसा आपको बताया अगर आगे बढ़ाना है गाड़ी तो आपको एक नंबर इस्तेमाल करना है, और अगर गाड़ी पीछे करके गाड़ी निकालना है तो आपको बैक गियर इस्तेमाल करना ही है, ठीक है ना। गाड़ी अगर बैक करना है तो भाई बैक गियर ही लगेगा आपका, ये तो आपको ज्यादा बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये बात हमारा समझ में आ गई है दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो के यहाँ पे एंड करेंगे, और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि तरह का जो हमारा वीडियो है आप लोगों तक मिलते रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।